नमस्कार, मैं हूं नाजिया, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। अफगान औरतें, अफगान बच्चियां और उनका दर्द कितना बड़ा है, क्या इसे कोई शब्द या कोई भी भाषा बयान कर सकती है? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। अफगान की एक ऐसे ही नकाब पहने छोटी सी बच्ची जो आज से कुछ दिनों पहले तक अफगान की दीवारों पर पेंटिंग बनाया करती थी, उसकी पेंटिंग ही उसकी जबान थी। लेकिन क्या वो बच्ची अब कभी अफगानिस्तान की दीवारों पर आ से अमन लिख पाएगी, या फिर ये तालिबानी अब आ से अत्याचार ही लिखेंगे? तालिबान के आने के बाद आ से अत्याचार कितना डरावना है, बता रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। एक बच्ची दीवार पर लटकी हुई है। इस नन्ही से बच्चे को काबुल की ये दीवारें पार कराने की कोशिश की जा रही है। दीवार के इस पार तालिबानी है और दीवार के उस पार ये उम्मीदें हैं कि शायद जिंदगियां बच जाएं, अच्छे और खूबसूरत सपने बच जाएं। लड़कियों की, औरतों की, बच्चियों की जिंदगियों का बेस्ट एक्सप्लेनर एक दीवार ही हो सकता है। लेकिन क्या आपको याद है जब सालों पहले ऐसी एक दीवार को एक लड़की ने लांघी थी? इस लड़की ने दीवार पार तो जरूर किया, लेकिन ये लड़की दीवार पार करके कहीं विदेश नहीं गई, पार की हुई दीवारों से सट कर खड़ी हुई, साथ में स्प्रे वाली बोतल रखी और अफगानिस्तान की वो दीवारें रंग दी जिस पर आज तालिबानियों के होने के सबूत पोते जा रहे हैं। शमसिया हसानी अफगानिस्तान की पहली महिला ग्राफिटी स्ट्रीट आर्टिस्ट है। शमसिया हसानी उसे मुल्क से ताल्लुक रखती हैं जहां एक औरत को सड़क पर निकलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, जहां 10 में से 9 महिलाएं हिंसा का शिकार रही, जो मुल्क औरतों के लिए सबसे खतरनाक रहा। उस मुल्क में शमसिया कभी सड़कों पर तो कभी घर के अंदर ऐसी ही ग्राफिटी बनाती थी जो 1972 की कुछ तस्वीरों की याद दिलाता है और अफगान औरतों को आज़ाद बताता है, जैसे हथियारबंद लड़ाकों के बीच पियानो बजाती लड़की, तोप के सामने फूल लिए लड़की, दिल की खिड़की से पतंग उड़ाती लड़की, गिटार बजाती लड़की, आसमानों में उड़ते फाइटर प्लेन के नीचे कागज की जहाज उड़ाती लड़की, अफगानिस्तान की सड़कों पर पेंटिंग बनाती इस लड़की पर सबका ध्यान जाता है। ये लड़की शमसिया सिर्फ ग्राफिटी नहीं करती, काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी है। शमसिया कहती है कि लोग शब्दों से थक चुके हैं, हर मुश्किल से निपटने का दोस्ताना तरीका होता है आर्ट। शमसिया ने जब ये बात कही थी तब उन्हें पता नहीं था कि उनके ऐसा कहने के कुछ महीनों बाद ही अफगानिस्तान में एक अलग ही आर्ट रचा जाएगा, ऐसा आर्ट जो इतिहास में खून और आंसुओं से पेंट किए गए कलाकारी के तौर पर याद किया जाएगा। हवाई जहाज से गिरते लोग आसमान से गिरकर सड़क को सुर्ख करेंगे। बेजुबान जबानों को जुबान देने वाली शमसिया अब डर गई है। अफगानिस्तान में अभी अमन इतना न था कि किसी को सुकून दे सके, वजह शायद ये दीवारें ही हैं। शमसिया जैसी कितनी अफगानी बच्चियों और औरतों की जिंदगी और सपनों के आगे दीवार बन गई है, ठीक इस कांपते बच्चे की तरह जो दुनिया के किसी भी भाषा में दीवार लिखना नहीं जानता लेकिन दीवार लागने की जरूरत को इतनी कम उम्र में बड़ी ही आसानी से समझ गया है। दीवार को सजाने और लांघने वाली अफगान लड़कियां, औरतें अपनी रहस्यमय नीली भूरी आंखों में सवाल लिए देख रही हैं, क्या दुनिया का कोई भी मुल्क इसका जवाब दे पाएगा, क्या आप और हम इसका जवाब दे पाएंगे? फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।